नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज हम एस्ट्रो एनालिसिस करेंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट का। क्या कारण है कि ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया, कब ये प्रोटेस्ट खत्म होगा और क्या कहते हैं स्टार्स इसके लिए। तो देखिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम मेदिनी ज्योतिष भी कहते हैं, जब हम किसी भी नेशनल लेवल के इवेंट का या इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले इवेंट की जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो हम मंडेन एस्ट्रोलॉजीज के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। सो एज पर मंडेन एस्ट्रोलॉजी, सैटर्न शनि जो है वो रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चर को, फार्म्स को और फार्मर्स को। तो हम जो है ट्रांजिट जो है हम अप्लाई करेंगे इंडिया के हॉरोस्कोप में, क्योंकि इंडिया में ये जो है ये इवेंट हो रहा है। तो अगर हम ट्रांजिट लगाते हैं तो जो सैटर्न है, जो शनि है, वो अपनी ही राशि में यानी कि मकर राशि में कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं और नाइन्थ हाउस में, इंडिया के चार्ट में नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब नाइन्थ हाउस है वो भी जो है रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चरल फार्म्स को एंड फार्म लैंड्स को। सो शनि अपनी ही राशि में मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये तो अच्छी चीज़ है, दैट इज़ गिविंग सैटर्न स्ट्रेंथ, इट शुड बी फेवरेबल, इट शुड बी गुड फॉर द फार्मर्स। तो फिर ये प्रोटेस्ट कहाँ से आ गया? तो देखिए, उसके लिए जो है हम ये देखेंगे कि शनि जो है वो किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब शनि जो है वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के स्वामी है सन, सूर्य। ट्रांजिट का ये प्रिंसिपल है कि सूर्य और मंगल, सन एंड मार्स, जब भी ये 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होते हैं तब ये जो है अपना रिजल्ट बहुत इफेक्टिवली देते हैं। हमें जो है इनका रिजल्ट बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलता है। सन भी जो है वो एग्रेसिव प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट है। अब 26 नवंबर 2020 को सूर्य जो है वो 10 डिग्री के हो गए थे और 6 दिसंबर तक जो है सूर्य 20 डिग्री से को पार कर जाएंगे। तो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक सूर्य जो है 10 डिग्री ट्रैवल करेंगे और उसी दौरान जो है ये एग्रेशन और प्रोटेस्ट भी चलेगा। इट इज़ आफ्टर 6 दिसंबर आप जो है इस प्रोटेस्ट में डिक्लाइन देखेंगे। उस टाइम तक कुछ ना कुछ कंक्लूजन या कुछ ना कुछ ऐसी बात आएगी जिसमें दोनों पार्टीज अग्री कर जाएंगे, बट दैट विल हैपन आफ्टर 6 दिसंबर। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो है दशा। तो अगर अभी आप दशा देखेंगे हिंदुस्तान की, तो दशा भी जो है अभी चंद्रमा में शनि की चल रही है। तो शनि, जैसा मैंने कहा, फार्मर्स, फार्मलैंड और एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस कारण से जो है ये प्रोटेस्ट अभी हो रहा है। तो देखिए, सिर्फ प्लैनेट का प्लेसमेंट या दशा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस नक्षत्र में प्लैनेट गोचर कर रहे हैं और वो नक्षत्र के जो लॉर्ड है, जो नक्षत्र का स्वामी है, उसकी क्या पोजीशनिंग है और वो कितनी डिग्रीज का ट्रांजिट में है, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इवेंट के होने पे। तो जब प्रेडिक्शन करते हैं हम, या प्रेडिक्शन जब करनी चाहिए, तो सारी चीज़ें देखने की होती हैं, ट्रांजिट भी, दशा भी, प्लस जो नक्षत्र है और जो नक्षत्र का स्वामी है वो कहाँ है और क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सब भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, बाय 6 दिसंबर व्हेन सन्स डिग्रीज विल चेंज, सन जब 20 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, तब आप जो है सर्टनली देखेंगे एक प्रोटेस्ट में डिक्लाइन एंड समथिंग फेवरेबल, जो कि दोनों पार्टीज जिसमें खुश रहें, ऐसा कुछ कंक्लूजन जो है ज़रूर निकलेगा। सो प्लीज़ डू गिव मी योर फीडबैक एंड टेक केयर।